Hi, Vivek. Hello. Can I sit? Okay. Vivek, मैं और आप? मेरा नाम अमीशा है. Hi, अमीशा. How are you? आप मेरे से बात क्यों करना चाहते हो? आपसे बात नहीं कर सकता? नहीं. क्यों? बस ऐसे ही अभी मैं थोड़ी परेशान हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती. अच्छा, आप मुझसे बात नहीं कर सकती तो मैंने आपको ज़बरदस्ती थोड़ी ना बोला है. मैंने आपसे हाय किया, अगर आप हाय नहीं करती तो हम चले जाते यहाँ से. ओके, तो फिर अब आप जाओ यहाँ से. मैं अभी थोड़ी परेशान हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती. बात नहीं, फिर मैं चला जाऊँ? बाकी आप खूबसूरत बहुत हैं, देखिए ना, मुस्कुरा भी काफ़ी कमाल की. इधर से 100%. वैसे आपकी आँखें बहुत ख़तरनाक हैं, यकीन मानिए, आप बेहद खूबसूरत हैं आपकी आँखें. सभी बोलते हैं ऐसा. सभी बोलते हैं, लेकिन हम भी बोल रहे हैं. कोई नई बात बताओ, ये तो सभी. आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है. थैंक यू. बाकी आप फ़ोन में इतना क्या देखती हैं? बार बार हिलाती रहती हैं, मतलब ऐसे स्क्रीन. पिंपल भी पड़ते हैं आपको? पिंपल इधर देखो ना, थोड़ा सा इधर. हाँ, वो अभी अभी हुए थे, अभी ठीक हो गया वो. एक्चुअली वो मैं गाँव गई थी ना, तो वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल हो गए थे. क्यों? गाँव में तो अच्छी चीज़ है, कहावत है. शहर में तो बारूदों का मौसम है, गाँव में तो अमरूदों का मौसम है. नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये होता है ना, गांव में डस्ट वगैरह ज़्यादा, मिट्टी वगैरह उठती है. फिर मिट्टी यार, यही यही मिट्टी तो हमारी जान है. देखो, ये मिट्टी हमारी जान. क्या है ये मिट्टी? इस मिट्टी में सुगंध है. मैं भी बहुत परेशान हूँ. देखो, मैं से मजाक मत करो, मैं मजाक. तो मिट्टी की मजाक कभी मत उड़ाना. मिट्टी मिट्टी है. सही बोला ना मैंने? आपने सही. कितनी प्यारी मिट्टी है, देखो ये. बहुत आपकी शर्ट गंदी हो गई. डोंट वरी, कोई नहीं, आई हैंडल इट. उसको मैं मैनेज कर लूंगा. आपकी जो सोच गंदी हो जाएगी उसको कैसे मैनेज करूंगा, समस्या ये. नहीं, मेरी सोच अच्छी है. अच्छी है आपकी सोच? सही सोच. फिर आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? क्या गर्लफ्रेंड? नहीं यार, बहुत पसंद है तुम्हें. मेरी शादी हो रखी है. शादी हो रखी है, बॉयफ्रेंड बना लो. दिन में वो तोड़ेंगे, रात में हम. मतलब यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं परेशान हूँ. तुम परेशान हो यार, तो क्या हुआ? परेशान मत. तुमको हमें बॉयफ्रेंड बनाने में क्या प्रॉब्लम? मैं बहुत परेशान हूँ, सीरियसली समझो मेरी. लेकिन तुम लग नहीं रही हो बिल्कुल, तुम काफी जवान लग रही हो. मैं यकीन के साथ कहता हूं, तो मैं हूं. मतलब एक बात बताओ, पर जरूरी नहीं है कि हम अपनी परेशानी सबको बताएं या जताएं. कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो किसी की परेशानी को सॉल्व कर सके. एक गाना है भोजपुरी में, छल कता तोहरो जवनिया हे रानी. हां नहीं, जैसे के बलटी के पनिया हो. देखो आप हंस रही हैं, परेशानी में कौन हंसता है बताओ? अरे तो आप बात ही ऐसी कर रहे हो, हंसी आ रही है. मतलब जवानी छलकना कोई बुरी बात है क्या? नहीं, बुरी बात नहीं है. आज के टाइम पे तो सभी छलकाते हैं इंस्टाग्राम पे. हाँ, वो एक छला ऐसे करके ऐसे ऐसे लड़कियां करती हैं जो इंस्टाग्राम पे. आप भी करती हैं वैसा? नहीं. तो फिर आप अच्छी हैं. नहीं, आप बेहद अच्छी हैं. सो मैं जाऊँ? जाओ. अच्छा सुनिए ना, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनेंगी? नहीं. सच में आ रहा, हम आपको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं. यार आप मेरा दिमाग क्यों खराब करो? देखो मैं बहुत परेशान हूँ, सीरियसली आप चले जाओ यहाँ से. अच्छा चलिए, आपकी परेशानी क्या पहले बताइए. क्यों बताऊँ मैं अपनी परेशानी? कौन सी प्रॉब्लम है भैया? हस्बैंड छोड़ के भाग गया, पति छोड़ के भाग गया, बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, माता पिता जी ने निकाल दिया घर से, क्या है बताओ? सब कुछ एक साथ हो गई सारी प्रॉब्लम. जैसे मैं आपको नहीं बताऊंगी, अब जाओ यहाँ से. इतना हमने आपको हंसाया ना? हंसाया कि नहीं मैंने आपको? देखा. अच्छा बताओ क्या हुआ. अच्छा बताओ यार, आप ऐसे करोगे तो मुझे बताने में मजबूर कर. अच्छा बताओ. अच्छा बताओ. अच्छा चलो ठीक है, बताती हूँ. एक्चुअली मेरे हस्बैंड है वो. अच्छी बात है, सबके होते हैं. मेरे भी हैं या थे, मतलब बराबरी है. हाँ. तो वो थे कि हैं पहले ये बताओ. बराबर मतलब हैं पर नहीं है. अच्छा ठीक है, जो भी हैं. हाँ. हाँ. तो जम्मू कश्मीर में मिनिस्टर हैं. अरे बाप रे. हाँ. तो समझ लो भाग जाओ यहाँ से. अरे नहीं, भागे क्यों फिर? हाँ. देन? तो यार वो ना मेरे को छोड़ के चले गए, काफी टाइम से ना, मतलब मिले नहीं हो मेरे से, फोन भी नहीं करते हैं. परेशान हूँ यार मैं इसलिए. लेकर के आया हूँ, मुझे होटल में बिठाया, बोला थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ, और मुझे छोड़ के चले गए. फिर आज तक आए नहीं, तो मुझे ससुर में हूँ मैं, इसलिए मैं बैठ गई. टेंशन होती मुझे, तो मैंने सोचा यहाँ के बैठ जाती हूँ, और फिर आप मुझे परेशान कर रहे हो. ठीक है यार, बॉयफ्रेंड हस्बैंड जी तुम्हारे कहाँ चले गए तुमको छोड़ के? ये तो मुझे भी नहीं पता, उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे. उनका नंबर मुझे दो तो हम बताएं कहाँ है वो. फोन नंबर 9646. ओके मैं फोन करूँ इनको? कर लो यार. नाम क्या है इनका? जुल्फिकार. मैं फोन करूँ इन्हें? हाँ फोन करो, पता लगाओ यार कहाँ है. क्या पता तुम मेरी कुछ हेल्प कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ. फोन नहीं उठा रहा. नहीं उठा रहे फोन यार, मेरा भी फोन नहीं उठा रहे. मैं इनकी लोकेशन बताता हूँ तुम्हें कहाँ है. पिछले 20 दिनों से इनका जो
लोकेशन वो हयात होटल में है। OMG, तो ये होटल में रह रहे हैं? इसका मतलब तो ये किसी और 17 दिन हुआ, 17 दिन हुआ, 17 दिन हुए हैं और मुझे छोड़ो इनको 20 दिन हुए यार। मतलब कि ये सेफ है बिल्कुल? मैं खामा का टेंशन ले रही हूँ, मतलब ये किसी लड़की के साथ ही होंगे 100%। ऑब्वियसली मेरा फोन नहीं उठा रहे यार, 100% मैं बोल रहा हूँ यार, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कितना ट्रस्ट करती थी इनके ऊपर, अब मैं क्या करूँ यार, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा उनकी एज कितनी है? उनकी एज 50+। तुम्हारी? मैं 19 साल की हूँ। फिर तुमने शादी क्यों कर लिया ऐसे बुड्ढों से? यार बस घर वालों ने करा दी, उन्हें इतना पावर पैसा दे के करा, तुम्हें तो पता है घर वालों को क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, वो तो कुछ नहीं। सारे को ऐसे नहीं चाहिए होते, पता नहीं तुम्हारे घर वाले कैसे करा दिया यार, बस पता नहीं यार, मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ अब। तो चलो मैं तुम्हारे हस्बैंड यहाँ तुमको छोड़ दूँ। हाँ क्या वहाँ पे जाना अच्छा होगा, सही होगा हमारे लिए? फिर हमारी गर्लफ्रेंड मजे कर रहा है यार, मैं क्या करूँ, वहाँ पे मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ पे टेंशन बैठी, उनको मेरी कोई फिक्र नहीं है, मैं क्या करूँ? तो सुनो ना, तुम हमारी बन जाओ यार, हम भी मजे करते हैं। ऐसा नहीं होता रहा यार, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ भी, मतलब किसी को भी बॉयफ्रेंड बना लिया किसी के साथ भी रहेगी, मैं ऐसा नहीं होता यार। अब मुझे तो उसको सबक सिखाना है, उसने ऐसे क्यों करा मेरे से, इतनी शादी करी इतने टाइम तक मेरे साथ रहा रिलेशनशिप में और फिर अब वो छोड़ के चला गया, ऐसे किसी और के साथ मजे कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता यार। मुझे नहीं पता, मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उसे सबक सिखाना है, क्या करूँ? उसकी पावर भी इतना मिनिस्टर है वो, मैं उसको कुछ कर भी नहीं सकती। आप कुछ नहीं कर सकती हैं, मैं आपकी कोई मदद करूँगा? क्या मदद करोगे आप मेरी? आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, पहले तो मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, आके मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दिया, अब आप मेरी हेल्प करोगे? और कोई किसी के बिना मतलब मैं हेल्प तो करता नहीं आज के टाइम। तो फिर ठीक है, आप हमारा काम कर दीजिए, हम आपका कर दें। क्या आपका काम? लाइक कॉम्प्रोमाइज और क्या, अब हमारा हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, हम आपकी मदद कर दें। ऐसे नहीं होता ना यार, देखो आपको डिसीजन लेना, अगर आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। अब देखो आपको डिसीजन करना है। मैं ऐसे कैसे इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है, मतलब बुड्ढे के साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं, शादी कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जवान लौटा अगर बोले तो नहीं चलता, बुड्ढे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो है ही चूतिया, उससे तो मेरे घर वालों ने शादी करा दी, लेकिन अब मैं तो गलत डिसीजन नहीं ले सकती, आप तो अभी आके मेरे बगल में बैठो, कैसे ट्रस्ट कर लूं मैं आपके ऊपर? कॉम्प्रोमाइज करना हो तो बताइए, फिर नहीं तो मैं जाऊं इधर से। ऐसे यार कैसे हो सकता है, क्या प्रूफ है कि आप मेरी हेल्प करोगे आगे तक, मेरा साथ निभाओगे? मैं पक्का आपका साथ निभाऊंगा, आप कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो जाओ बस। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरे फादर है, मेरी मदर है, मेरा भाई है। अच्छा तो मतलब अपने घर वालों से आप मुझे मिलवाओगे तभी तो, ऐसे थोड़ी ना मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, कम से कम आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है मुझे ये भी तो देखना। बैकग्राउंड मिनिस्टर साहब से ज्यादा पैसा है मेरे पास, ये जान लो। तो यार बात पता है पैसों की नहीं होती, पैसों की नहीं होती, देखना पड़ता है। अच्छा मेरा यस या नो में रिप्लाई दो, कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो तो बताओ। पहले आप अपनी फैमिली से मिलवाओगे और उसके बाद जो भी है मैं पहले देखूंगी आपकी फैमिली का, क्या आप क्या करते हो, सब कुछ देखने के उसके बाद बताऊंगी। मतलब फैमिली देखोगे? हाँ। उसके बाद बाहर BMW खड़ी है मेरी 1 करोड़ की। अच्छा हाँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो देख लो कि चल जाएगा ना। देखूंगी BMW भी देखूंगी, आपके घर वालों से भी मिलूंगी, मैं सब कुछ देखूंगी। अच्छा अच्छा हाँ। लालची हो मतलब? नहीं लालची तो हो बेटा तुम? नहीं 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 कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार होगी नहीं, मैं अपनी फैमिली से नहीं मिलवा रहा हूँ तुम्हें। अच्छा Yes, you know, मैं रिप्लाई दो, अदरवाइज मैं क्या, फिर आप बताओ मेरी हेल्प कैसे करोगे? अब तैयार हो ना? हाँ मैं डन करो डील। डन है ना? डन 100% मुस्कुराओ। अब कैसे मुस्कुराओ? और मुस्कुराओ हाथ छोड़ो उठो और जाओ। कहाँ जाओ? जाओ जहाँ जाना है तुमको और क्या। तो कैसे हेल्प करोगे तुम मेरी? मैं कोई मदद नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी, सीरियसली। हाँ तुम सारे लड़के जैसे। बैठो पहले इधर बैठो, क्या है ये? आपने तो बोला जाओ, तुम्हारे पति के मिनिस्टर हैं, मतलब वो अलग मजे करे, तुम भी तैयार हो गई 5 मिनट में? नहीं मैं वैसे रेडी नहीं हुई मजे वजे के लिए, मतलब मैं तो बस यार मेरे को हेल्प की जरूरत है, इसलिए मैंने आपके बात करने का तरीका के जो मेरी प्रॉब्लम पूछी आपने मुझे हंसाया भी, काफी टेंशन में थी तो मुझे अच्छा लगा। कोई बात नहीं हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ हाँ पक्का। तो रेडी थी आप? रेडी थी बट मैं रेडी नहीं था। ओके सही, सच बता रहा हूँ यार, फिर तो आप बहुत अच्छे हो। मैं अच्छा हूँ यार, आज के टाइम पे ऐसे लोग मिलना मुश्किल हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज में क्या रखा है यार, 4 मिनट के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना, उधर कैमरा लगा के रखा है। What is this यार, मतलब ये सारी चीजें हाँ रिकॉर्ड पे हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड पे हैं। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा यार कि मैं इस लड़की की क्या मदद करूँ, क्या मदद करूँ आप लोग मुझे बताओ, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे हेल्प करूँ तुम्हारी।
मैं तुम्हें अच्छा समझूं या बुरा समझूं, क्या क्या समझूं बताओ? तुम्हारा पति तो चलो चूतिया है, जो भी है मिनिस्टर साहब, क्या हो तुमको नहीं पता, तुम्हारी मोहतरमा जी कैसी हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर, बट हम आपकी मदद कैसे करें? यार आप तो मेरी हेल्प एक ऐसी कर सकते हो कि यार, अरे मैं क्यों करूं आपकी मदद यार, मुझे आप में वो बात नहीं दिखी। कैसी बात? जो होनी चाहिए एक लड़की में। कैसी? वो आप छोड़ दीजिए। फिर भी मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आप उसी के काबिल हो तो क्या करें? मतलब ऐसे क्यों बोल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। अभी तो आप देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, बट मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं आए। अच्छा। आपने पहले तो मेरे गांव का मजाक उड़ाया, गांव का मजाक उड़ाया जिस मिट्टी से मैं इतना प्रेम है। यार देखो, पहली बात तो मुझे नहीं है कि अच्छा, मुझे तुम आपका ज्ञान नहीं लेना। अच्छा ओके, बट हम आपकी एक छोटी सी मदद कर देते हैं। क्या मदद? वैसे मैं मदद करना नहीं चाहता था आपका, बट हो सकता है आपके पास पैसे ना हो। नहीं नहीं यार, मुझे पैसे नहीं चाहिए। होटल का रेंट दिया है उन्होंने? नहीं। ये ले लो 5-6 हज़ार रुपए। नहीं यार मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं दे रहा हूँ। नहीं यार मुझे नहीं चाहिए पैसे। ले लो मेरी तरफ। और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, उसका कारण ये है ना कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा? बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं सच बताऊँ तो मैं ऐसी लड़कियों से बात भी नहीं करता यार। मुझे नहीं पसंद आया आपका, मुझे बिहेवियर नहीं पसंद आया। अच्छा, मुझे ना तो आपके हस्बैंड पसंद आए ना तो आप पसंद आए, लेकिन हम आपसे यही बोलेंगे जीवन में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। जीवन में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए, बुरा इंसान बनने की कोशिश मत करिए। बुरा क्या क्या? ठीक है आप जाओ बस। मैं तो मतलब आप मुझे भेज रहे हो, आप मुझसे बात नहीं? मैंने बोला आप चले जाओ, नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है सच में, आप जाओ। ओके बैठी तो मैं यहाँ। मैंने बोला इधर जाओ वरना मेरा पाला गर्म हो जाएगा, मतलब हो जाता है कभी कभी, आप जाओ ना इधर से। ओके हाँ श्योर, आप जा सकती हैं। यार मुझे ही समझ में नहीं आया कि मेरे को खुद नहीं समझ में आया यार, इससे बात बात से मैं मुझे बहुत बुरा लगा। सो मैं क्या बताऊँ, आप लोगों को क्या लगता है इसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर आप लोग बोलोगे तो मैं हेल्प करूँगा, ऐसा नहीं, आप मेरे को कमेंट में बताना। बाकी मुझे ना इनके हस्बैंड जी का समझ में आया ना इनका समझ में आया। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के जाना, फिर मिलेगा गोल्डन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो अभी आपका ओपिनियन हो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी तुम्हारा गोल्डन भाई 2 दिन में एक अच्छी सी लग्जरी गाड़ी परचेज करने जा रहा है टोयोटा की। सो जो सबसे पहले उस गाड़ी का नाम बताएगा, मैं आपको गाड़ी का ब्रांड का नेम बता देता हूँ, टोयोटा का इनोवा है और फार्चूनर है और एक क्रूजर है। तो जो मेरे को सबसे पहले बताएगा उसको मैं अपनी तरफ से 5,000 दूंगा, मेरे सब्सक्राइबरों में से किसी एक को मिलने वाला है। जय हिंद जय भारत एंड आई लव यू, वंदे मातरम।